ये आ गई हमारे कोड़दार और डाना नागराज वाली रोड और नीचे से आ जाता है लोली गांव। ये जो नीचे का मार्ग दिख रहा है आपको ये जाता है सिर्फ 17-18 किलोमीटर और इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ गांव है, लास्ट गांव है कालेश्वर 29 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है यहाँ पे। और ये है देखिए ऊपर सतपुली कोड़दार डाना नागराज लोली नीचे की तरफ और यहाँ शाम को हमेशा अक्सर लोग घूमते घूमते दिख जाते हैं, काफी आबादी इधर की यहाँ घूमने आती है क्योंकि इधर आगे की साइड से लड़का लड़की ज्यादा पॉइंट क्योंकि यहाँ आसपास का माहौल पूरी हवा से लीन होता है। चारों तरफ आपको हवा देखने को मिलेगी और आपको अभी यहाँ पे बहुत ही कपल्स देखने को मिल जाएंगे फिलहाल हम दोनों को छोड़ के राइट आगे भी ये डांडा नागराज वाली रोड पे और इस रोड पे ना आपको फैमिली वाले ज्यादा रहते हैं। हाँ आगे आके हटती नहीं है मतलब। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। हाँ ऐसी रोड है आपसे आपको हटी हुई नहीं दिखेगी यहाँ पे। हाँ। और आगे से पूरा फील्ड भर रखा है यहाँ पे तो मतलब पूरे घाटी की हवा यहाँ दौड़ते दौड़ते आपको दिखेगी और यहाँ से देखिए पूरी घाटी का लुक आ रहा है आपको। कौन सी वाली घाटी है तुझे पता होगा? पता नहीं। यहाँ से पूरी घाटी का लुक आ रहा है अभी और इसको भी नहीं पता घाटी का नाम। मुझे पता था, वैसे मैंने पता किया था कभी लेकिन अब नहीं पता मुझे घाटी का नाम। और इधर की साइड अभी सारे यात्री यहाँ पे घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी हवा आ रही है। नहीं नहीं क्योंकि लल्ले बेरोजगार छपरी लल्ले बेरोजगार वो भी उड़न खटोला बन के यहाँ पे रेस मार रहे। चलो कोई बात नहीं, अब पता नहीं अब भर्ती आने वाली, ये बात तो सही है। तो लौंडे अपने अपने परेशानी नहीं लौंडे अपने तैयारी करने में लगे रखे हैं। अभी तो पता नहीं कब तक आएगी। हाँ नहीं नहीं SSGD वाली तो आएगी जी। हाँ वो तो हाँ उसमें देखेंगे सब ये ओरिजिनल मस्त चल रहा है लेकिन। तो अभी हम आ गए यहाँ पे सिटी पार्क की साइड। यहाँ पे देखो जिम के इंस्ट्रूमेंट लग रखे हैं, ये सारा जिम जो भी करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे बढ़िया बने रखे हैं पूरा। और यहाँ पे से रोड से लोग घूमने आते रहते हैं और इधर बनाने का थोड़ा जिम का इंस्ट्रूमेंट लगा लो आके। वाह चलो इधर चलते हैं हम अभी। तो यहाँ पे ये पार्क की साइड बना रखा और अभी यहाँ पे सनसेट होने वाला है ना और ये लग रखा है यहाँ पे जिम बॉडी बनाने में भाई बॉडी क्या बनानी। और यहाँ पे मतलब पूरा एरिया जंगल ही जंगल से कवर हो रखा और पीछे की ये जो रोड दिख रही है मेरे पीछे ये चले गई यहाँ डाना नागराज के लिए वाली रोड। और यहाँ पे से पूरा जंगल और रात को यहाँ पे बाघ भूख का सीन भी होता है इधर की साइड। तो अभी हमने आपको यहाँ पौड़ी का थोड़ा यहाँ का इवनिंग का व्यू दिखा और यहाँ सब लोग ऐसे घूमते हैं इधर की साइड क्योंकि यहाँ आधी जैकेट टांग के भी और पूरे टांग के तो यहाँ ऐसा ही इस रोड पे सबके सब घूमने आते हैं। यहाँ से हवा बहुत अच्छी चलती है आगे से ना तो मतलब बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ठंडी जगह है ना पौड़ी का इलाका। तो यहाँ मतलब एनवायरनमेंट काफी प्योर है और नेचुरल की ब्यूटी तो आपने देखी थी। दोस्तों आप बताना आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। लाइक कमेंट लाइक देना फॉलो सब्सक्राइब वो सब उनकी मर्जी। तो भाई ये रहा मेरा हॉस्टल वाला कमरा, बस पे एक मनुष्य बैठ रखा है। देख लगे इतना मना लिया कि लाइट गुल ये लो। डर जाएंगे रहने, इसको नहीं दिखाते। देखो कभी लाइट आ रही है और कभी जा रही है, ऐसा भी होता है यहाँ पे कभी कभार।